हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने शॉर्ट वीडियोस में क्लिकेबल थंबनेल, या आप बोल सकते हैं क्लिकबेट थंबनेल, कैसे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शॉर्ट वीडियो जिसके भी शॉर्ट फीड में जाती है वो आपकी थंबनेल देख करके आपकी वीडियो को जरूर वॉच करे, वो आपकी वीडियो को स्वाइप ना करे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में गई और लोगों ने आपकी थंबनेल देख करके उस पर क्लिक नहीं किया, आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं किया और उसको स्वाइप कर दिया, तो वहीं पर आपकी वीडियो के व्यूज रुक जाते हैं और आपकी वीडियो पर तो 500-600 व्यूज आते हैं या 1000-2000 व्यूज पे आपकी वीडियो रुक जाती है। और दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शॉर्ट्स का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, 3 महीने में आपको 10 मिलियन व्यूज चाहिए। और अगर आपकी थंबनेल अच्छी नहीं हुई और आपकी वीडियोस वायरल नहीं होंगी, अगर आप क्लिकेबल थंबनेल नहीं बनाएंगे, तो फिर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और आपको शॉर्ट वीडियोस में थंबनेल लगाने का जो ऑप्शन होता है वो भी सिर्फ एक बार मिलता है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियोस की तरह आप बार बार अपनी थंबनेल चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस में आप सिर्फ एक बार ही अपनी थंबनेल लगा सकते हैं और बार बार उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सोच समझकर अपनी शॉर्ट वीडियोस की अच्छी सी थंबनेल लगानी है, जिसको क्लिक करके आपकी वीडियो को लोग वॉच करें, आपकी वीडियो पर क्लिक जरूर करें, ये नहीं कि आपकी वीडियो को स्वाइप कर दें। और दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, आप शॉर्ट फीड में जो भी वीडियोस देखेंगे, जो वायरल वीडियोस होती हैं, उनकी थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि इनकी थंबनेल इतनी ज्यादा क्लिकेबल होती है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि जिसके भी सामने, जिसके भी शॉर्ट फीड में ये वीडियोस जाती हैं, लोग तुरंत ही वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को वॉच करते हैं। आप यहाँ पर शॉर्ट फीड की कोई भी वीडियो ले लीजिए, जिन भी वीडियोस की थंबनेल धांसू है, एकदम क्लिकेबल थंबनेल है, उन वीडियोस पर आपको लाखों में, करोड़ों में व्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख लीजिए, 65 लाख व्यूज है। इसी तरीके से यहाँ पर 20 करोड़ व्यूज है, 5.3 करोड़ व्यूज है। इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा व्यूज देखने को मिलेंगे। और दोस्तों देखिए, शॉर्ट वीडियोस में क्या होता है, जब आप शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आपको अपलोड करने के टाइम पर ही सिर्फ अपनी वीडियो में थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपनी शॉर्ट वीडियो में से जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट है, ये वाला पार्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि किसी के भी शॉर्ट फीड में दिखेगा, तो वो आपकी वीडियो पर क्लिक करके आपकी वीडियो को देखेगा, तो आप उस पार्ट को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी वीडियो में मान लीजिए कोई इंटरेस्टिंग सा, अच्छा सा पार्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आप उसको एज अ थंबनेल लगाएं, कोई भी एक इमेज टाइप की आप अपनी थंबनेल में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आप किसी भी इमेज को अपनी शॉर्ट वीडियो में थंबनेल की तरह से कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एडिटिंग करने के टाइम पर उस इमेज को अपनी वीडियो में यूज करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, जो भी शॉर्ट वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस वीडियो में आप कोई अलग से थंबनेल लगाएं, ठीक है, तो उसके लिए आपको देखिए, यहाँ पर पहले तो बीच में कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी, वीडियो के अंदर आपको कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए इनशॉट एप्लीकेशन को यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो काइन मास्टर या कोई अदर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो अपनी ले ली है, जिस वीडियो को मुझे अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, PIP वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसके थ्रू आप यहाँ पर कोई भी इमेज, जो भी इमेज आप एड करना चाहें, उसको अपनी वीडियो में बीच में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इमेज एक ले ली है, अब इस इमेज को हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन पे कर देंगे, ठीक है। तो ये इमेज भी हमारी यहाँ पर वीडियो में ऐड हो गई है, इसको हम यहाँ से कर देंगे ओके, ठीक है। अब इस इमेज को आप वहाँ पर थंबनेल की तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये इमेज यहाँ पर ऐड की है, आप इसी तरीके से कोई दूसरी इमेज जो आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग इमेज है, ये आप अपनी थंबनेल पर लगाना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पर अपनी वीडियो में पहले ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, आपने कोई भी इंटरेस्टिंग सी इमेज अपनी वीडियो में लगा दी, जो भले ही आपकी वीडियो में 1-2 सेकंड के लिए यूज हुई हो, लेकिन आपकी वीडियो से थोड़ी बहुत रिलेटेड हो, कोई भी क्लिकेबल सी इमेज आपको ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी शॉर्ट वीडियो, जो भी वीडियो आपको अपलोड करनी है, वो यहाँ से आपको अपलोड करनी है, हम यहाँ पर डन कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे कि हमारी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो गई है, आप वीडियो को अपलोड कर देने के बाद में आपको इसको यहाँ पर एडिट कर लेना है और उस पार्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जिस पार्ट को आप चाहते हैं अपनी शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल की तरह आप जिसको लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको वो पार्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने ये वाला पार्ट एक यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, अब हम इसको यहाँ पर डन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो में इस तरह से थंबनेल लग जाती है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो में जिस भी पार्ट को एज अ थंबनेल ऐड करना चाहें, आप बहुत ही आराम से ऐड कर सकते हैं।
सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप थंबनेल ऐड करेंगे, कोई एक क्लिकेबल थंबनेल अगर आप ऐड करेंगे, किसी पिक्चर को यूज करेंगे या आपकी वीडियो का कोई इंटरेस्टिंग सा पार्ट होगा उसको आप थंबनेल में वहां पर ऐड करेंगे, तो आपके शॉर्ट वीडियो के वायरल होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों देखिए, आपको शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगाने का ऑप्शन सिर्फ एक बार ही मिलता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से जो भी पार्ट आपको लगता है कि आपकी वीडियो का ये बेस्ट पार्ट है उसको यहाँ पर आपको इस तरीके से थंबनेल की तरह से ऐड कर लेना है। उसके बाद में आपको जो भी टाइटल अपनी वीडियो का रखना है आप रख सकते हैं, हैशटैग्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो में जो भी क्लिकेबल थंबनेल ऐड करना चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट वीडियोस में जो थंबनेल होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी शॉर्ट वीडियो की थंबनेल अच्छी होगी तभी लोग आपकी शॉर्ट वीडियो को देखेंगे, वरना वो आपकी वीडियो को स्वाइप कर देंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।